सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपाता क्या कहां, किसने देखा था उस पल, तो अगम अटल जल भी कहां था। नमस्कार, मैं राजेश आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सरल तरीके से बताएंगे। शायद आप कुछ चीजें जानते हो और कुछ नहीं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। ब्रह्मांड के पहले क्या था, किसने की इसकी रचना, कैसे की, कब की और क्यों की, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत हैं जो कुछ उत्तर देते हैं, लेकिन अनेकों नए सवाल भी खड़े करते हैं। सबसे ज्यादा माने जाने वाला सिद्धांत है द बिग बैंग थ्योरी। एस्ट्रोनॉमर एडविन हब्बल ने अपने खोज में बताया कि अंतरिक्ष में हर चीज तेजी से एक दूसरे से दूर हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे के एकदम पास थी, इतने पास कि वे सब एक ही बिंदु में थी, यानी कि एक पॉइंट में। ब्रह्मांड का ये बिंदु अपने बहुत घने होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म रहा होगा। इस स्थिति में फिजिक्स, मैथमेटिक्स या साइंस का कोई भी नियम काम नहीं करता। ये वह स्थिति है जिसमें समय यानी कि टाइम रुक जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से इस पॉइंट में अचानक एक महाविस्फोट हुआ। इस विस्फोट से कई पदार्थ, छोटे छोटे पार्टिकल्स चारों ओर फैल गए और इसी के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इन पार्टिकल्स और पदार्थ से ही ब्रह्मांड की सारी चीजें जैसे कि आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, सूरज, तारे, सौरमंडल, यहाँ तक कि हम भी बने हैं। और इसी से ही टाइम का भी यानी कि समय का भी जन्म हुआ। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। ये विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केंद्र नहीं है। हर आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर हो जा रही है। वैकल्पिक सिद्धांत द अल्टरनेटिव थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार काल यानी कि टाइम और अंतरिक्ष एक साथ महाविस्फोट से शुरू नहीं हुए थे। आइए इस थ्योरी को विस्तार से जानते हैं। बिग बैंग यानी महाविस्फोट के थ्योरी के अनुसार आकाशीय पिंडों की एक दूसरे से दूर जाने की गति महाविस्फोट के बाद के टाइम और आज के टाइम को तुलना में कम है। ये थ्योरी कहता है कि भविष्य में आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस विस्तार की गति पर रोक लगाने में सक्षम हो जाएगा। इस समय एक ऑपोजिट प्रतिक्रिया का प्रारंभ होगा, अर्थात संकुचन का। सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे के नजदीक और नजदीक आते जाएंगे और अंत में एक पॉइंट यानी कि एक बिंदु के रूप में संकुचित हो जाएंगे। इसी समय एक महाविस्फोट होगा और एक नया ब्रह्मांड बनेगा। विस्तार की प्रक्रिया एक बार और शुरू होगी। ये प्रक्रिया अनादिकाल से चल रहा है। हमारा पृथ्वी इस विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया में बने अनेकों पृथ्वी में से एक है। इसके पहले भी कई ऐसे पृथ्वी बने हैं और भविष्य में भी बनते रहेंगे। ब्रह्मांड के संकुचित होकर एक बिंदु में बन जाने की प्रक्रिया को महासंकुचन द बिग क्रंच के नाम से भी जाना जाता है। हमारा पृथ्वी भी एक ऐसे ही महासंकुचन से नष्ट हो जाएगा जो एक महाविस्फोट के द्वारा नए ब्रह्मांड को जन्म देगा। यदि ये थ्योरी सही है तब ये संकुचन की प्रक्रिया आज से 1,50,000,000,000 वर्ष बाद शुरू होगी। यथास्थिति सिद्धांत द क्वाइट स्टेट थ्योरी। महाविस्फोट की थ्योरी सबसे ज्यादा माने जाने वाला थ्योरी है, लेकिन सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है।
वे मानते हैं कि ब्रह्मांड अनादि है, इसका ना तो आदि है ना अंत। मतलब इस ब्रह्मांड का ना तो कोई शुरू है और ना ही इसका कोई शेष है। उनके अनुसार ब्रह्मांड का महाविस्फोट से प्रारंभ नहीं हुआ था, ना इसका अंत महासंकुचन से होगा। ये सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा ही हमेशा था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में मैं इस छोटे से गाने के साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये बन जा रहे नदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे। सागर से कहीं गहरी है आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है।